आना तो था ही, लेकिन इजी पड़ गया हम लोग को टिकटॉक से। टिकटॉक पे ज्यादा फेमस हो गए, फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम आया, फिर वहां फेमस हुए, तो इजी हो गया यहाँ तक पहुंचना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने के लिए, आपके पास टैलेंट है, तो आप मेहनत कीजिए, अपने में सही रहिए, पेरेंट्स को सब बता के काम कीजिए, तो आप लोग जरूर सक्सेस होइएगा। अच्छा, आप ये लुक में हैं, ड्रेस पहने हैं, साड़ी सिंदूर भी लगाए हैं, आपका शादी हो चुका है क्या? फिर ये सिंदूर वगैरह एक्टर्स लोग करते हैं ना। हाँ, तो जैसा कैरेक्टर है उस तरीके से तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, थोड़ा सा फनी सवाल, गुस्सा नहीं होइएगा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड है या नहीं? अब फिर घुमा फिरा गया, वही बात ला दी है है या नहीं? आपको उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं शिल्पी रघवानी जी। तो नमस्कार, कैसे हैं जी? नमस्ते, अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं इनसे मिला हूँ, फिलहाल आराम है। आप सुबह से मिल रहे हैं लेकिन टाइम नहीं हम लोग को मिल रहा था कि बातचीत करें, इंटरव्यू या ब्लॉग बनाएं। तो आज आपका कितने गाने का शूटिंग हुआ? दो गाने का शूट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक से आपसे पूछते हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से हैं? अभी मुझे 2 साल हो गया है। 2 साल। अच्छा, मुझे पता चला है या लोग के वीडियो के मुताबिक मुझे पता चला है कि आप इंस्टाग्राम से इसमें आए हैं, पहले इंस्टाग्राम पे आप थे? नहीं, सबसे पहले हम लोग वहाँ क्लास टिकटॉक पे। वगैरह करते थे। नहीं, हम अच्छा, लोग जहाँ हम लोग का होम टाउन है हाँ। उधर हम लोग क्लास वगैरह किए हैं, सारा चीज़ संगीत का, कथक का, सारा चीज़ मैं सीखती थी। अच्छा, फिर आना तो था ही, लेकिन इजी पड़ गया हम लोग को टिकटॉक से। टिकटॉक पे ज्यादा फेमस हो गए, फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम आया, फिर वहाँ फेमस हुए, तो इजी हो गया यहाँ तक पहुँचना। हाँ सही बात है। अच्छा, टिकटॉक पे उस टाइम आपको सोशल मीडिया पे इंसान फेमस हो जाता है तो लोग कुछ बुलाने इजी लगते हो हैं। जाता है ना, हाँ, लोग उनको जानने पहचान लगते हैं, पब्लिक का प्यार मिलता है ना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपको उस टाइम, इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक पे उस टाइम आपको कितना फॉलोअर्स था? याद नहीं है मुझे, मतलब 4-5 लाख से ज्यादा ही था शायद। 5 लाख उस टाइम फॉलोअर्स था और एक बैक बैंड हो गया, उसके बाद आप इस पे आए इंस्टाग्राम पे, या इंस्टाग्राम पे थे पहले से? नहीं, इंस्टाग्राम भी था उस टाइम पे, लेकिन उस इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रहते थे हम लोग, ज्यादातर टिकटॉक पे एक्टिव रहते थे। अच्छा, अभी फिलहाल तो आपका इंस्टाग्राम पे लगभग 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है ना। इंस्टाग्राम आईडी बताइए लोगों को ताकि आपको और प्यार दे लोग। इंस्टाग्राम आईडी मेरा फेक आईडी बहुत सारा है, मेरा ओरिजिनल लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। ओरिजिनल पे मेरा 15 लाख फॉलोअर्स है, 1.5 मिलियन, वो मेरा ओरिजिनल है। ओ, अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोपालगंज, गोपालगंज सिवान दोनों जगह घर है मेरा। अच्छा, लगभग लगभग आप तो सभी सिंगरों के साथ काम कर चुके हैं ना, पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो या हितेश पांडे भैया हो, अंकुश राजा भैया हो, सभी के साथ है ना? सबके साथ हो गया। अच्छा, सबसे अच्छा प्रमोद प्रेमी जी के साथ अभी नहीं हुआ। अच्छा, सबसे अच्छा आपको किन के साथ काम करके लगा, जो फनी हो, कि शूट पे बोरिंग महसूस ना हो काम करते? नहीं, सबके साथ काम क्यों, सबके साथ अच्छा लगा, कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, इंडस्ट्री के सारे लोग अच्छे हैं। अच्छा, आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे थे तो क्या आपको पेरेंट्स लोग दबाव दे रहे थे या आपको सपोर्ट मिला घर से? नहीं, दबाव कोई क्यों देगा, पेरेंट्स लोग समझ गए कि हाँ इसको इस चीज में इंटरेस्ट है, इसको इस चीज में खुशी है, और ये विश्वास था पेरेंट्स को कि मेहनत कर रही है तो एक ना दिन सक्सेस हो जाएगी, तो सारे लोग सपोर्ट किए, पब्लिक भी सपोर्ट किया, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन गांव के लड़कियों के भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग नहीं आने देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा है, ये वो फलना ढेकना। हाँ, तो पेरेंट्स है तो अपने बाल बच्चा के बारे में इतना तो सोचेंगे, लेकिन उनको ये चीज भी सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज किस फील्ड में है, और मतलब बच्चे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम पेरेंट्स से कुछ गलत छुपा के कुछ गलत काम ना करें, सारा चीज़ पेरेंट्स को बता के करें। अगर बता के करेंगे तो अगर हमसे कुछ गलती भी होता है तो पेरेंट्स हमारा साथ देगा। लेकिन अच्छा, आप एक लड़की होकर के आप लोगों को बताइए, मोटिवेट करिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा है, अच्छा आना है, चाहिए अगर नहीं आप आना सही चाहिए? है तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, जो लड़की लोग, जो गर्ल्स लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, किस वजह, किस लाइन में, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की वजह से किस तरह से वो मतलब काम लोग करें? आना चाहता है हाँ, उसको, लोग आना चाहते हैं, उनको कुछ मैसेज दी? हाँ, तो आ सकते हैं आप लोग, अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने के लिए, आपके पास टैलेंट है, तो आप मेहनत कीजिए, अपने में सही रहिए, पेरेंट्स को सब बता के काम कीजिए, तो आप लोग जरूर सक्सेस होइएगा। अच्छा, सबसे फर्स्ट गाना आपका कौन सा वायरल हुआ था? वायरल तो मेरा उल्टी पाला सॉन्ग हुआ था सबसे फर्स्ट, मतलब सेकंड गाना मैं उल्टी पाला की थी तो वो बहुत वायरल हुआ था। अच्छा, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह का कौन सा गाना था, कुछ याद है आपको? दहिया के ठीका लेला। और खेसारी लाल का? खेसारी जी के साथ हम लोग बेलपतवा छतवा से तोड़ लिया, सावन का गाना था मेरा फर्स्ट सॉन्ग था।
अच्छा, आज जो आपका शूटिंग हुआ है वो गाना कौन सा कंपनी से आएगा? कंपनी है वंडरवुड चैनल है वो, उसी कंपनी से आने वाला। वंडर वर्ल्ड? अच्छा वर्ल्ड वंडर वंडर वर्ल्ड भोजपुरी चैनल है, उसी से आने वाला। अच्छा इतना लगा दीजिए। अच्छा आपका पढ़ाई कहाँ कहाँ तक हुआ है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा आप ये लुक में हैं, ड्रेस पहने हैं, साड़ी सिंदूर भी लगाए हैं, आपका शादी हो चुका है क्या? नहीं। फिर सिंदूर वगैरह एक्टर्स लोग करते हैं ना? हाँ तो जैसा कैरेक्टर है उस तरीके से तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा फनी सवाल, गुस्सा नहीं होइएगा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड है या नहीं? फिर घुमा फिरा गया, वही बात ला दी है। आपको उस टाइम समझाए थे कि ये सब फालतू चीजें हमसे मत पूछिएगा। नहीं। अच्छा आपका खूबसूरती का राज क्या है? इतना खूबसूरत है, खूबसूरती का राज मेकअप अभी हुआ है इसलिए खूबसूरत लग रहा है। अच्छा कौन सा क्रीम लगाते हैं कि आपका इतना चेहरा पर निखार है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं लगाते हैं, जो घर में रहता है वो यूज कर लेते हैं। चलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रात हो रहा है और सभी को हम लोग को चलना है पटना ना। ठीक है तो आप हमारे चैनल के बारे में जाते जाते कुछ बोलिए। इनका चैनल है, ये बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, बस थोड़ा सा इनका गलत है कि कैप्शन कुछ और रहता है वीडियो में और लिंक कुछ और देते हैं, तो मैं बोलूंगी थंबनेल चेंज कीजिए, अच्छे से वीडियो बनाइए। और दुआ करती हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, अच्छे इंसान है आप, और इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब करेगा। मिलता है किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।